तो दोस्तों आपके लिए हाजिर है दुनिया का महान गीजा पिरामिड। यू कैन सी दिस इज 1, 2 पिरामिड इज सीन फ्रॉम हियर। तो दोस्तों पिरामिड के ऊपर मैं चढ़ चुका हूँ, आप देख सकते हो। नीचे से एक एक ब्लॉक को पार करके मैं ऊपर आ चुका हूँ। इससे ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, इट इज क्लोज्ड ओवर हियर। सो गाइज यू कैन सी दैट इज एडवेंचरस जर्नी है, बहुत ही मज़े वाला जर्नी है। थोड़ा सा रिस्क भी है, अगर यहाँ से गिर जाओ तो यार आपका तो हाथ पैर टूट ही जाएगा। पर थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके मैं वीडियो कर रहा हूँ ओनली फॉर यू। अभी तक देख रहे हैं तो ऑफकोर्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे लिए नहीं, ये ग्रेट पिरामिड के लिए। दोस्तों मैं घूम रहा हूँ, ये जो पूरा पिरामिड का कैंपस है, कैंपस के आसपास यहाँ पर 3 ऐसे बड़े बड़े पिरामिड है। एक तो मेरे पीछे आप देख सकते हो और एक है दूसरा मेरे सामने। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आसपास देख सकते हो बहुत ऐसे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, ऐसे छोटे मोटे राइड के लिए लोग हैं, लोकल लोग हैं। ये लोग मीन्स आपको फोर्स करेगा अगर आओगे। जो मैं यहाँ से 1 से 1.5 घंटा हो चुका आया हूँ, ट्रस्ट मी, ये 1-1.5 घंटे में मोर देन 30 ऐसे लोकल लोग मुझको बोल रहा है नो थैंक्स, नो थैंक्स। हाँ, नो थैंक यू। एक्चुअली आई एम वेरी पुअर टूरिस्ट, आई डोंट हैव मनी डियर। सो एक्चुअली ये लोग आपको बहुत बार रिक्वेस्ट करेंगे, आपको पीछे ही पड़ जाएंगे। ऐसे जो आपने दिखा, इसने जैसे बोला हर वक्त देखिए पीछे पीछे आ रहा है। रिक्वेस्ट करना एक दूसरा चीज़ है, पूछना डिफरेंट चीज़ है, बट आपको जोर ज़बरदस्ती करना है दूसरा चीज़ है, ये ठीक नहीं है। तो मैं मानता हूँ यहाँ का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। जो टूरिस्ट लोग आते हैं, सोलो ट्रैवलर आते हैं, अगर आप भी आओगे, ये ट्रस्ट मी, ये बहुत ही एक सिंपली एक अच्छी बात नहीं है, एक हैरेसमेंट बोल सकते हो। और चलिए मैं कैंपस के अंदर चला आता हूँ, आ चुका हूँ ये दूसरा पिरामिड के सामने। तो अगर आप इजिप्ट में आ रहे हो, पिरामिड में आ रहे हो, ये 2-3 चीज़ दिमाग में रखिएगा, खुद करिए। ये कैमल राइड इधर उधर ले जाएगा, कर सकते हो, ऑल अप टू यू। पर जो नहीं कर सकते हो, ये लोग डराएगा, बार बार आपको इंसिस्ट करेगा, इंसिस्टेंस में मन नहीं पड़ना है। तो मेरा तो सिंपल एक ही आंसर है, गरीब देसी ट्रैवलर हूँ, पैसा नहीं है भाई, माफ़ करो भाई, किसी दूसरे के पास जाओ। ऐसे ही बोलकर मैं ऐसे जो कैमल राइड्स है, हॉर्स राइड्स है, इन लोगों से पीछा छुड़ा रहा हूँ। दोस्तों गीजा पिरामिड में टोटल 3 पिरामिड। एक पिरामिड आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा वाला पिरामिड है, दूर से देख रहे हैं तो छोटा छोटा लग रहा है। ये है और भी एक बड़ा पिरामिड और ये वाला है छोटा पिरामिड। ये 3 पिरामिड वन आफ्टर वन बैक टू बैक है, एक ही लाइन पे है। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल कुछ कारण है और मुझे शायद पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इधर उधर देख सकते हो बहुत ऐसे कैमल्स हैं बेचारे धूप में बैठे हुए हैं एंड वेटिंग फॉर द टूरिस्ट। ये पूरा डेजर्ट एरिया दोस्तों देख सकते हैं, पूरा डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है यहाँ पर। और इस जगह में एक अलग सा हिस्ट्री है, ट्रस्ट मी गाइस। यहाँ पर आप दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मैंने जब गया था मलेशिया में, थाईलैंड में, बांग्लादेश में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, ट्रस्ट मी वहाँ का सीन एकदम डिफरेंट है। ये इजिप्ट का सीन तो एकदम अलग है। कायरो को बोला जाता है एक्चुअली मिडिल ईस्ट का पहला शहर, फर्स्ट सिटी इन द मिडिल ईस्ट। एंड यहाँ पर आकर सिविलाइजेशन का जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ था कई हज़ारों साल पहले, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है गाइस ये सब बड़े बड़े पिरामिड। जो सोचिए आज से 4,000 साढ़े 4,000 साल पहले जब पिरामिड तैयार किया गया था उस वक्त भी कैसा टेक्नोलॉजी था, हाउ वाज द टेक्नोलॉजी ओवर देयर। वो टेक्नोलॉजी यूज करके ये बड़ा पिरामिड तो आज भी बनाना एक बहुत ही चैलेंज है फॉर द साइंटिस्ट, फॉर द इंजीनियर्स। तो तब इतने हज़ारों साल पहले इजिप्ट में कैसे वो लोग ये बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं, इसका कोई एग्जैक्ट प्रोसीजर किसी भी बुक में किसी भी साइंटिस्ट के बस नहीं है। बट ये है, इट इज़ द रियलिटी एग्जैक्टली दैट आई टोल्ड यू। किसने बनाया? इंसान ने बनाया, एलियंस ने बनाया, कौन बनाया मुझे पता नहीं, बट ट्रस्ट मी जो भी है ये तो भाई कमाल का जगह है, अद्भुत। एक मिस्टीरियस इजिप्ट का ये मिस्टीरियस गीज़ा पिरामिड।